Chicale, sei un pericolo. Come? Animo mia. Don't cut off his sabji. अरे मेरे को दिख नहीं रहा चक्कू मालूम नहीं खुद को मैं. अरे ये मम्मी मार क्या बोल रहा है? नमस्ते मेरे चैनल पे आपका स्वागत है. आई एम गोपाल एंड ब्लॉगिंग टुडे कर रहे जस्ट लव ब्लॉगिंग. आज हम एक और बहुत ही क्रेजी सा कुकिंग चैलेंज वीडियो लेके आ गए. इसका पार्ट वन देखने में आप लोगों को बहुत मजा आया था एंड एवरीबॉडी वांटेड मी टू डू दिस वीडियो विद मम्मा. हेलो मम्मा. एंड ऑब्वियसली मैं ज्वाइन कर रही हूं भूरी बेटी. हाय. हम करने वाले हैं डम डेफ ब्लाइंड कुकिंग चैलेंज. तो दिस इज अ वेरी फन एक्टिविटी जिसमें आपकी किचन थोड़ी तहस नहस हो सकती है बट मजा आ सकता है. हमारे पास यहाँ पे रेसिपी प्रिंट आउट रखी हुई है. हमें नहीं पता हम क्या बनाने वाले हैं और हमारे पास यहाँ पे आंख पे पट्टी बांधने की चीज है, कान में डट्टे लगाने के लिए और मुंह पे पट्टी बांधने के लिए. मुझे आंख पे पट्टी नहीं बांधनी. गाइस बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया चिट से उठाएंगे हम. मैं लास्ट टाइम म्यूट हुई थी तो आई डोंट वांट टू बी म्यूट. और मम्मी के तेज तेज अगर गाने बजे कान में भाई मम्मी तो मार देंगी. चलो मम्मी चलो उठाओ. जय श्री राम कर रही है. अब मैं उठा रही हूँ. ओके तो लास्ट वाली मेरी है. इसको क्या मिला यार. नहीं मैं नहीं कर रही है यार मुझे. आई एम ब्लाइंड. मम्मी बट तू बहुत चिल्लाती है तो तेरा चिल्लाना सुनना पड़ेगा. पता है कुदरत ही चाहती कि जानवी म्यूट ही रहे क्योंकि जब भी ये बोलती है मतलब खत्म बोलती नहीं. लगातार तीसरी बार म्यूट. वो तो मैं अच्छी हूँ. लो मम्मी गाने नहीं आप अब आप नॉइस कैंसिलेशन पे गाने सुनो और मैं ऐसे गाने बजाऊंगी ना. गाइस जानवी के अंदर बदले की भावना ऑलरेडी जाग चुकी है. मम्मी टुक माई चिट एंड आई एम सैड. गाइस टेप का छेड़ा ढूंढने में जिंदगी आधी खत्म हो गई है. अब मैं एयरपोर्ट पे पहली बार लगा रही हूँ. हाँ मेरी मम्मी कभी एयरफोन यूज नहीं करती है. इनको बिल्कुल नहीं पसंद. तो इस चैलेंज का रूल ये है कि ये जो रेसिपी है ये जो डेफ है सिर्फ वही पढ़ सकता है. तो मम्मी इसमें हिंदी रेसिपी है आपको पढ़नी पड़ेगी. आप उनको पढ़ के बताओगे कि क्या करना है. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अब कौन से मीठे की डिश है. एक कटोरी एक कटोरे में ढाई कप मैदा ले. उसमें 1.4 कम पिसी चीनी, 3.6 चम्मच बेकिंग पाउडर, एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा. आज हमारी पूरी सोसाइटी यही बनाने वाली है. बेचारी जानवी को बहुत काम करना पड़ेगा. मैदा इसमें है. मैदा एक कटोरी ढाई कप मैदा. कब इसमें कप? ये कप नहीं है ये वो एग्जेल वाला कप है. बेकिंग पाउडर कहाँ है? बेकिंग पाउडर आया है. बेकिंग पाउडर फ्रिज में रह गया है. फ्रिज में ये गया. गाइस हम डालेंगे ढाई कप मैदा डाल रहे. कितने कितनी चीजें बना रहे हम बना क्या रहे हमको भी तो पता चला जाएंगे. क्या बना रहे हम तुझे नहीं पता तू बोली कैसे. थोड़ा हाफ पॉइंट. हाफ पॉइंट 0.4 3/4 होगा. जानवी 1/4 को 3 बार डाल दे. अब क्या करना है मम्मी. कहाँ गए अब क्या. 1.4 गाइस अब हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे. विनेगर विनेगर आया. सिरका सिरका. मम्मी आई मम्मी है. मम्मी मम्मी इधर ऐसे खड़ा करके चले गए स्कूल में बच्चे होते ना. यार मुझे अभी तक समझ क्यों नहीं आया हम बना क्या रहे हैं. विनेगर नहीं है ना तो विनेगर की जगह नींबू डाल सकते हैं. मेरा मूल नुस्खा है पानी डाल के दूध डाल के गूंथे. हाँ ला मैं गूंथती हूँ आवश्यकता अनुसार. आवश्यकता मेरे को तो समझ नहीं आएगी. मेरा अंदर आके बोल रही है कड़ा काटा बांटना. जानवी अब तो एक्सपर्ट हो गई है घूमने की. मम्मी क्या कर रहे पीछे जानवी.
मैं निकाल के ला। मम्मी हम मम्मी है ना मम्मी क्या बना रहे क्या कह रही है क्या क्या बना रहे एक घंटे के लिए क्या मम्मी इधर उधर ये क्या क्या पानी 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 नहीं यार मम्मी क्या 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 सुन लो देख लो मुझे देखो क्या बना मैं क्या गलत इशारे कर रही हूँ चीनी सब होता है ऐसा अच्छा बना क्या रहे डोनट्स क्या हो गया आटा नहीं हुआ नहीं दे और दे इसमें मैं कर देती हूँ इससे हटवा लो वो बच्चा होता है जिससे आटा छीन लेते जो बच्चा मम्मी के साथ आटा गूंथता है मैं वो बन चुका हूँ ये तुम बोल दो ये नाम ये है इसका वो नहीं बोल सकते आप बोलो इंग्लिश में लिखा है हाँ चीजी वेज लज़ाने लज़ाने चीजी वेज लज़ाने बोलो 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 हाँ बोलने तो दो आटा एक कटोरा ले पूरा पड़ता है आटा एक कटोरा ले उसमें एक कप मैदा एक कप डाले बारीक सूजी सूजी मूजी तो आई नहीं है पढ़ने तो दो मुझे सूजी पिसी हुई एक चम्मच तेल नमक एक कप दूध पाउडर और पानी एक खिंचाव मुलायम बनाने के लिए गूंथें गुथा हुआ आटा ढककर आराम करने दें ये तो आराम ही होता रहेगा तो वीडियो कब बनेगी लाल सॉस एक पैन में लें उसमें कटा हुआ तेल डालें वही लिखा है प्याज डाले तो कटा हुआ तेल लग गया है धनिया लहसुन रोशनी होने किसने बनाया ये हमारी टीम मेंबर ने ये रेसिपी हिंदी में ट्रांसलेट करी है फिर साथ में एक कप टमाटर प्यूरी डालें हेलो जी एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक ले लिया गया है एंड नाउ वी आर बैक ये क्या है क्या कर रही है ये अच्छा अच्छा हम लज़ानिया बना रही है ये लज़ानिया शीट्स है इसका क्या करना होता है रुक रेसिपी किधर है रेसिपी पढ़ना रेसिपी में नहीं लिखा है हाँ तो मैं मेरा दिमाग लगा के बताऊँ सुन मेरी बात एक कांच का बोल ले थकी मैं हाँ देख एक कांच का बोल ले उसमें पहले नीचे हम डालेंगे रेड सॉस पास्ता वो अभी हमें बनाना है तो पास्ता रेड सॉस फिर लज़ानिया शीट ये गीली नहीं है हाँ तो इनको हल्का सा पानी में गीला करके फिर आपको उसके पढ़ाना है उसके पीछे पढ़ना लिखा होगा हल्का सा पानी में गीला कर नीचे रेड सॉस पास्ता लज़ानिया शीट व्हाइट सॉस सब्जियां मम्मी क्या बोल रही है समझ के समझाओ मुझे हमें तो सुनाई नहीं दे रहे तो हम कहां से बताएं मैं गैस चालू करके सॉस बनाऊं मैं गैस चालू करके सॉस बनाऊं वाओ अन्या ये उंगलियां अपनी उसी में जला देंगी मुझे सब सामान दे तो मैं बना दूंगी हैं मम्मी एक मिनट रेसिपी मैं आपको बताती हूँ मैं बताऊँ मम्मी को मम्मी सुनो मेरी बात सुनो पहले सारी सब्जियां कटवा तू मम्मी को बोल मम्मी देख पा रही मम्मी सब्जियां काट रही है सब्जियां काटो सब्जी तुम काटो भी सब्जी अरे मेरे को नीरज चक्कू मालूम है खुद को ये लज़ानिया ना बन पाई आज हटो मैं लीड लेती हूँ किचन ये बना है नहीं सब्जी मम्मी सब्जी काटो मम्मी मम्मी सब्जी काटो क्या क्या चाहिए अरे यार रेसिपी मैं ही बताऊं व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए बटर मैदा दूध ओरिगैनो चिली फ्लेक्स ये गया गाइस बटर मुझे
ने से या चिपका ने से या फेविकॉल से सब्जी काटो सब्जी मैं कब से कर दी लिया चिपका ने से या फेविकॉल से नमक नमक गरम है तुझे तो दिख रहा है तुझे तो दिख रहा है ये क्या कूट रहे हम मिर्ची कूट रहे हैं बाउल चाहिए कटोरी चाहिए नहीं नहीं स्क्वायर चाहिए स्क्वायर डोनट बनाना है मुझे नहीं आता बनाना बनाओ कैसे बनेगा मुझे आता है एक घंटे बाद थोड़ा सा मैदा छिड़क कर थोड़ा बेल लीजिए उसके बाद इसे डोनट कटर से काट लीजिए डोनट बनाएगी ये बेल के दोगे आप ये डोनट बनाया है तुमने मेरे को ये डोनट नहीं लग रहा पक्का ऐसे ही बन रहा है डोनट लजानिया का लोट तैयार करो नहीं करना नहीं करना लजानिया का लोट तैयार एक इंसान है जिसको बोलने की वो दी गई है वो कुछ भी बोल रहा है अब मारो इसको क्या बोला इसने मैंने बोला आप बहुत अच्छे हो बोल रही हो आप ये बोल रही आपने ऐसा नहीं बोला है अरे ये मम्मी क्या बोला क्या बोला तुमने अभी रिकॉर्डिंग देखूंगी तुमने क्या बोला इसने क्या बोला अरे तुम भी कहां से बता पाओगी क्या बोला डालो तेल गरम नहीं है मुझे लगता है डालने से चटर पटर हुआ ही नहीं हमें सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हो स्क्वायर कांच का बोल चाहिए स्क्वायर कांच का बोल चाहिए स्क्वायर सुखाने के लिए चौरस बर्तन चाहिए चौरस कांच वाला कांच बोल नहीं चौरस हाँ चौरस समझ में आया गाइस मैं आलसियों किधर है कैमरा मुझे नहीं पता मैं आलसियों वाला दिमाग लगा रही हूँ हम इसके ऊपर नटेला डाल के स्प्रिंकल्स डाल लेंगे डस्टबिन समझ रखा है जो चक्रिया मम्मी अरे मेरे को थोड़ी आगे दिख रहा है हमने एक स्क्वायर शेप का बर्तन ले लिया है जिसमें हम लज़ानिया बनाने वाले दिल्वर हो गया इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 7 मिनट्स एयर फ्रायर में बेक होने रख दे गाइस ये हमने हमारे गर्मा गर्म नटेला डोनट्स डालो धीरे डालो इस पे हम डालेंगे स्प्रिंकलर आज हमने कुक विद ब्लाइंड गोपाली में गाइस बनाया है इधर है कैमरा
मैं उधर बोल रही थी इतनी देर से जानिए गाइस, आज हमने कुक विद ब्लाइंड गोपाली में बनाए हैं बहुत ही टेस्टी नटेला ग्लेज्ड डोनट्स एंड वी आर बेकिंग सम लज़ानिया विद सम एक्सोटिक वेजिटेबल्स गाइस। डोनट बहुत बढ़िया बन गए गाइस, डन ये डन सब बन गया, निकालो। माय गॉड भाई इतने देर बाद, मेरा भी तो निकालो। इतनी देर बाद आंखें खोली है, अब मैं गोपाली के चैनल पे एक महीने की छुट्टी ले रही हूँ, अब मैं नहीं हूँ। आई एम डन विद बोथ ऑफ दीस पीपल। लज़ानिया थोड़ा बन रहा है, बनने के बाद ही पता चलेगा कैसा बनना। भाई ब्लाइंड होना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको मजा आया मम्मी? बहुत मजा आया, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना मजा आया कितना नहीं आया है, बट बहुत ज्यादा काम किया। आई कुड सी सेंस इट कि वो बना भी रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है। गाइस हमारा लज़ानिया तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा। आई डोंट थिंक सो पूरा कुक हुआ है। टूथपिक किधर है? ये वो थोड़ी है, बन गया पूरा, थोड़ा भी कच्चा नहीं है। हेलो जी, हाँ हमारे डोनट्स और लज़ानिया यहाँ आ चुके हैं। 2 घंटे में दोनों चीजें बन चुकी हैं। स्मेल दोनों में से बहुत स्मेल मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सही बने हैं, और अगर ये सही बने तो इसका क्रेडिट भूरी बेटी को जाता है। तो मैं बताती हूँ, मुझे लग रहा है डोनट में हमने चीनी बहुत कम डाली थी, इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि हमें इसे शुगर ऊपर से भी डालना चाहिए, शुगर कोट करना चाहिए। लेट्स टेस्ट। जैसे कभी कभार मैं मेरी बातों को कर देती हूँ भाई, पर आंखें खुलने के बाद तो जो बैंड बजी थी ना, लो मम्मी कैसे है, खाओ। कच्चे क्या पके नहीं क्या? धीमी गैस पर से किए, कच्चे तो हो ही नहीं सकते। ये ऐसा लग रहा था इनका मन तो बालूशाही बनने का था, पर ये बन डोनट्स गए हैं मम्मी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही देसी पुआ हुआ पे हमने नटेला और वो डाल दिया है ना, थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही है। बट देखो मेरी तो कोई गलती है नहीं, मेरी तो आग पे पट्टी बनी थी, अगर मेरी आग पे पट्टी नहीं बनी होती तो ऐसा नहीं होता। Also the fact that we couldn't add vinegar at the right time. तो अभी क्या है ना, आटा है तब वो फूल बहुत जाता, that's the difference. वो स्पॉन्जी हो जाता है, ये स्पॉन्जी नहीं हुआ है अभी। तो बेसिकली हमारा डोनट को मैं तो दूंगी 6 out of 10। 5 तूने मेहनत की थी ना तो दे दिया। चलो मैं एक्साइटेड टू ट्राई लज़ानिया। मुझे थोड़ा डर है इसकी पास्ता शीट कच्ची ना रहेगी। ये टेस्टी लग रही है। हेलो लज़ानिया एक नंबर बनाया है। सॉस मैंने चखी ना, सॉस में मैंने बताया था क्या कम है क्या ज्यादा है। यम, लुक्स लाइक बाहर से है भाई ये लज़ानिया। अगर अभी हम कैफे में रख के बेचे तो ऑब्वियसली बात है हम बहुत सारे लोगों को बहुत लूट सकते हैं। रियल में अच्छा बना, मैं तो दे रही हूँ 10 on 10। इवन आई विल गो, आई विल गिव 10 on 10 टू दिस। लज़ानिया में अच्छी मेहनत गई है, मम्मी की सब्जियां गई है, मेरा सॉस मेकिंग गया है, जानवी का हम दोनों हैंडलिंग गया है। We are just going to enjoy this. मम्मी आपको कितना मजा आया करने में? बहुत मजा आया, बहुत मजा। आपको गाने सुनने में मजा आया? मम्मी कभी गाने नहीं सुनते, कभी एयरफोन यूज नहीं करते हैं। मेरे को कानों में दर्द होने लगे एयरफोन लगा के। बट भाई ब्लाइंड होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जानवी को म्यूट की तो बेचारी को आदत हो गई है। म्यूट तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट काम है। जैसे म्यूट व्हेन यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ यू फील लाइक हिटिंग। और वही हो रहा था भाई, ये दोनों में मुझे मार रहे थे। अब वो ये मान रही है, अब मैं कह रही हूँ ये रखा, बोले है ही नहीं है। जाने के मुझे इतनी टपियां मारी है, इतनी टपियां मारी, इसने बदला लिया है। मैं इतनी अच्छी बहन बनी थी। बट यस, आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। आप हमारी लज़ानिया की रेसिपी जरूर फॉलो कर सकते हो, वो बहुत टेस्टी बनी है। एंड यस, आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल 11 सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।